हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। यहाँ इस वीडियो में हम 5 मार्च वर्ग 3 मॉर्निंग शिफ्ट, जो कि फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें लैंग्वेजेस के क्वेश्चन किस तरह से आए थे उसके बारे में बात करेंगे। ईवीएस के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज की। तो एक गद्यांश आया था जिसमें 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक कविता आई थी, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि 4 से 5 थी। ध्यान रखें, यहाँ पर कविता वाला जो क्वेश्चन था उसमें के रचयिता का नाम पूछा गया था। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा जो फेमस पोएट्स हैं उनकी फेमस जो भी कविताएं हैं उनको ध्यान रखें। इसके अलावा कहानी शिक्षण से संबंधित 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और भाषा अर्जन से संबंधित क्वेश्चंस थे। साथ ही साथ त्रुटियां जो बच्चे करते हैं सीखने में उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। त्रुटियों से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे, हिंदी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और मैथ्स में भी। ओके, मैथ्स का वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो इस तरह से भाषा अर्जन, त्रुटियां, इसके अलावा साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि बच्चों को साहित्य अध्ययन क्यों कराया जाता है, और फिर विकास और मूल्यांकन के 1-1 क्वेश्चंस थे। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एज कंपैरिजन अदर सब्जेक्ट हिंदी सबसे इजी था। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश। ग्रामेटिकल पोर्शन ज्यादा नहीं आया था, ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जो थे। हमें एक ऑप्शन चूज करना था और ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली जो भी करेक्ट वर्ड है उसे वहां पर पुट करना था। तो इस तरह के 4 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसके अलावा पोयम एक कोर्स आया था जिसमें से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक पैसेज आया था जिसमें से कि 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बाकी के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे, पेडागॉजी के क्वेश्चंस थे। यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस थे वो लर्निंग से रिलेटेड थे, लर्निंग की जो स्किल्स होती हैं उनके क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एग्जाम काफी मॉडरेट आ रहा है तो आप लोग जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें। यदि इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे अपडेट बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।